दोस्तों आज मैं भारत का एक ऐसा मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ महिलाएं लड़कियों को जाना मना है। आखिर क्यों? जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है, यानी कि महिलाओं को देवी की तरह भारत में पूजा जाता है, वहीं मंदिर जाने पर मना किया गया है। आखिर क्या कारण है, महिलाओं को उस मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, इसके बारे आज हम लोग को जानते हैं। चले दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि आखिर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जाता है। वो मंदिर है सबरीमाला का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो पक्ष है, चलिए उसके बारे जानते हैं। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। दोस्तों यदि बता दी जाए कि महिलाओं के साथ असमानता क्यों है, आखिर क्यों उन्हें मंदिर में पूजा करने का हक नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल ज़्यादा लोग उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्यों मासिक धर्म के शुरू होने पर किसी महिला को अपवित्र मानकर उसे पूजा करने का हक नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सालों से चली आ रही परंपरा और आस्था का सवाल भी है, इसके बारे चले बातचीत करते हैं। यदि इसके बारे बात की जाए तो इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष का कहना है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए और उनकी एंट्री मंदिर में होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पूजा करने का हक है। वही दूसरा पक्ष सालों से चली आ रही है परंपरा से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। इस पक्ष का कहना है कि चूँकि भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचारी थे, तो ऐसे में इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बात की जाए तो इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी परंपरा और आस्था के बीच का रास्ता निकालते हुए मामले को 7 जजों की पेज को सौंपते हुए कहा कि इस केस का असर सिर्फ एक मंदिर पर ही नहीं बल्कि मस्जिदों में भी महिलाओं का प्रवेश और आज्ञारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर हुई है। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि परंपरा धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियम के मुताबिक होना चाहिए। हालांकि महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगले फैसले तब सबरीमाला में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। दोस्तों यदि बता दी जाए कि एक सिलसिला कब से चालू हुआ और क्यों और किस कारण से महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है, इसका कारण यही है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश हुआ अचानक से लोगों का ध्यान तब गया था जब 2006 में महिलाओं के मुख्य ज्योतिषी यानी कि परपनगिरी उन्हीं कृष्ण ने कहा कि मंदिर में स्थापित अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं और वह इसलिए नाराज है क्योंकि मंदिर में किसी युवा महिला ने प्रवेश किया है। इसके बाद ही कन्नड़ एक्टर प्रभाकर की पत्नी जयमाला ने दावा किया था कि उन्होंने अयप्पा की मूर्ति को छुआ और उनकी वजह से अयप्पा नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वह प्रायश्चित करना चाहती है। जयमाला ने दावा किया कि 1987 में अपने पति के साथ जब वह मंदिर में दर्शन करने गई थी तो भीड़ की वजह से धक्का लगने के चलते वह गर्भगृह पहुंच गई और भगवान अयप्पा के चरणों में गिर गई। जयमाला के इस दावे के बाद मंदिर में प्रवेश की एंट्री बैन होने के इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान गया है। 2006 में राज्य के यंग लॉर्ड्स एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका भी दायर कर दी है। यदि दोस्तों बात की जाए तो वहाँ तो सिर्फ महिलाएं की है, लेकिन कई ऐसे मंदिर है जहाँ पुरुषों को भी बैन कर दिया गया है, यानी कि उस मंदिर में सिर्फ महिला ही जा सकती है, यानी कि पुरुष का एंट्री निषेध है। चले जानते हैं, यानी कि भारत में कई मंदिर ऐसे भी है जहाँ पुरुषों की एंट्री बैन है, जिसमें से केरल अत्तुकल भगवती मंदिर है जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, जहाँ पुरुषों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं केरल के ही चकला थुकाऊ मंदिर में देवी भगवती की पूजा होती है। यहाँ नारी पूजा नामक वार्षिक अनुष्ठान भी होता है। नारी पूजा के दौरान केवल महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है। राजस्थान के पुष्कर मंदिर में भी इसी तरह की है, क्योंकि वहाँ भी शादीशुदा पुरुष का ही आना सख्त माना है। इसके अलावा कन्याकुमारी में बने भगवती मंदिर में माँ भगवती दुर्गा के कन्या रूप की पूजा होती है। उन्हें संन्यास की देवी भी माना जाता है। इसी वजह से केरल संन्यासी पुरुष मंदिर के दरवाजे तक आ सकते हैं। वहीं शादीशुदा पुरुष के आने पर रोक किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में भी इसी तरह की स्थिति है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के गर्भगृह में पहले महिलाओं को जाने पर रोक थी, जिसके बाद 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यदि महिलाओं का जाना वर्जित है
तो पुरुष के जाने पर भी प्रतिबंध लगे। इसके बाद से गर्भगृह में पुरुषों का जाना मना हो गया। एक और मंदिर यानी कि असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में भी माता की महामारी का उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान भी यहाँ पुरुषों के प्रवेश पर रोक रही है। इस दौरान केवल महिलाएं संत और सन्यासिनी मंदिर की पूजा करती है। इसके अलावा और भी मंदिर है जहाँ पुरुषों के जाने पर रोक लगा दी गई है। अंध की दो महिलाओं को एंट्री भी नहीं मिली है एक मंदिर में। जी हाँ, वो कौन सा मंदिर है जिसमें आंध्र प्रदेश की दो महिलाओं को एंट्री नहीं मिली है, क्या करना है इसके बारे में इस वीडियो में जानिए। वहीं आज यानी कि सोमवार को केरल पुलिस ने दो महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में पूजा करने के लिए प्रवेश की इजाजत नहीं दी है। दोनों महिलाएं आंध्र प्रदेश से थी और उनकी आयु 50 साल से कम थी। पुलिस ने उन्हें पहचान कर जांच करने के बाद उन्हें प्रवेश की इजाजत नहीं दी। उनकी आयु को लेकर संदेह होने पर महिलाएं पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका और उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। दोनों महिलाएं की आयु 50 साल से कम होने पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मंदिर की परंपरा के बारे में बता दिया। पुलिस की बात सुनने के बाद दोनों महिलाएं लौट गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के मंदिर में और हम सभी का आराध्या जो सभी देवता है उसमें सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए कि नहीं, यानी कि जो नियम पहले से चलता आ रहा है वही नियम हम लोग को अपनाना चाहिए? आप ये कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि हम सभी का देवी देवता यानी कि महिलाएं और पुरुष सभी के लिए समान है तो प्लीज आप हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह का यदि वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए अब दुर्गा पूजा आने वाली है और दुर्गा पूजा का सभी को बधाई, सभी को धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।